हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम दोनों भाई जा रहे हैं ट्रेड फेयर और हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पे। जिस भी तरह का वहाँ का ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म वहाँ पे लगा होगा, आउट ऑफ कंट्री के जो भी वहाँ पे होंगे, हम सभी आपको दिखाएंगे हम दोनों भाई। एक्चुअली वी आर गोइंग बाई मेट्रो, बट हमारा अगर हरियाणा में है तो हम हरियाणा कुंडली सोनीपत से जाएंगे अपनी पर्सनल गाड़ी से जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन तक। वहाँ पे हमें मेट्रो स्टेशन पे ही हमें टिकट मिलेगी प्रगति मैदान की, जिसमें कि ट्रेड फेयर फुलफिल हो रखा है। तो चलो मेरे भाइयों, आपको वहाँ पे चल के दिखाते हैं कि क्या क्या हमें वहाँ पे आज देखने को मिलेगा और इस बार का मेला कितना ट्रेडिशनल होने वाला है। ये भाई मेरे को आगे लड़के, हमने करीब एक घंटा इनको इंतज़ार करा दिया है। 11 बजे आए थे और 1 बज चुका अभी। तो एक बार इनका रिएक्शन चेक करते हैं किस तरह का इनका रिएक्शन रहने वाला है। ये देखो, ये हमारा भाई एक घंटा लेट हो गए भी गुस्सा नहीं हो रही, हमारी भाभी गुस्सा हो रही है वैसे। हाय उर्जू, हाय प्रिया, और अभी हम सभी गेट नंबर 1 से एंट्री लेंगे। हम सभी के साथ टिकट कहाँ मिलते थे पापा से लो ना। तो हाँ फ्रेंड्स, अभी हम एंट्री कर लिए हमने इसके अंदर और अब सभी हम साथ में जा रहे हैं। मूल नंबर 12। दोस्तों, हम पहुंच गए ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर में एंट्री करते सबसे पहला गेट पड़ता है 12, हॉल नंबर 12 और 12। यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी सबसे पहले, और सबसे पहले चलेंगे हम हॉल नंबर 12 में। तो चलो अंदर चल के दिखाते हैं आपको हॉल नंबर 12 में क्या क्या देखने को मिलता है। एक बार चेकिंग हो चुकी है और दोबारा से स्टाफ चेक कर रहे हैं तो प्रॉपर सेफली ये मेला लगा और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो रहा है। खाने पीने की चीज़ें लगभग काफ़ी ज़्यादा हो चुका। हम सुबह से निकले हुए थे और काफ़ी हद तक हम घूम फिर लिए और बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हमारी भाभी माँ लाई है बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा खाने का लाई है हमारी भाभी माँ। अभी दिखाता हूँ ये बोलेगी, क्या बोलेगी बोल चीको? वाइट हो रहे हैं ज़्यादा, चीको दिख रहा है।
कंफ्यूज है, ये चीकू कंफ्यूज हो चुके हैं और अभी हम खाएंगे इसको, पहले खाना खिलाते हैं, इसकी एनर्जी खत्म हो गई है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक वॉच देखने अपने पार्ट देखने हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी इस वाले मॉल में हम एंट्री करने वाले और आप कंप्लीट देख पाओगे सारा किस तरीके से हो रहा है। और ये झरना बहुत प्यारा लग रहा है, सभी के सभी हम साथ में आप देख पाओ पूरा कंप्लीट। हेलो दोस्तों, अभी हम हॉल नंबर 3 में एंट्री करेंगे और हॉल नंबर 3 के अंदर आप देखते हैं क्या क्या चीज़ इसके अंदर बेस्ट रहेगी देखने को, अब जाके बताएंगे सभी। बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख पा रहे हो कम्प्लीटली सब कुछ बहुत अच्छा, एक सुंदर आपको देखने को मिलेगा, फुल म्यूजिक चल रहा है और फुल एंजॉय करके आने वाले हैं अंदर जगह। कपड़े कपड़े भरे हुए सभी तरह के उसमें कपड़े आपको दिखाएंगे, और लगभग सभी कर्नाटक सभी अलग अलग, वेस्ट बंगाल ये वाले जो दिख रहे ऊपर वेस्ट बंगाल है, सभी का अपना लगा हुआ है। जैसे आप ऊपर की तरफ देख पाओ कर्नाटक का, तो सभी कंट्रीज का अपना अलग अलग है। कर्नाटक का ये बिहार साइड का जो भी ट्रैकिंग है उनका फैशन होगा जो बिहार का, वो कम्प्लीट इसमें दिखेगा। तो सभी का अपना एक है, वेस्ट बंगाल में जो चलता है तो वो उनका रहने वाला है। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार, सप्तमपुर बिहार, सभी के अपने एक सिटी के हिसाब से सबने अपना लगाया होगा, और एक अब भी इसका चलना टेंशन होगा। अभी जो देख रहे हो आप हमारे पिछले राजस्थान का ट्रेडिशनल फैशन आपको कम्प्लीटली राजस्थान में जो भी कुछ चीज़ होती है वो आप देख पाएंगे वहाँ पर फैशन में, क्योंकि ज्वेलरी से सब कुछ एक सौ बीस। सभी एकदम ट्रेडिशनल फैशन जो कि राजस्थान का होगा कम्प्लीटली आप देख पाएंगे। और अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे पंजाबी और कम्प्लीटली पंजाब का स्टैक जो भी होगा आपको मैं दिखा दूँगा एक बार किस तरह का रहेगा अंदर से। मनीष को जाना डब्ल्यू बी, इसमें सब कुछ हाथों से बनाया हुआ और सब कुछ एक बेस्ट निकलेगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। चुड़ैलों की तरह लटका ही उन्होंने, पर सब कुछ नहीं है, पूरे सभी मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ होते हैं जो अपने। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तुम्बा हैंड्स मेड है, इसमें सब कुछ इन्होंने भी हाथ से बनाया, तो आपको एक बार दिखाता हूँ मैं। ये सब लेदर का भी है, ये कम्प्लीटली लेदर का बना हुआ है, तो सब कुछ आपको छोटे छोटे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी।